कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हम भी राम जी जो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, राम सीताराम गाओ रे गाओ रे। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसी प्रेमो उजागर, राम दूत गुण के गुण धामा, अंजन गोत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम जयंती, कोमल निवार सुमित के संगी, वंचन मिर्ज राज सुमेधा, कानन कुंडल कंच सकेता, हाथ वज्र और ध्वज विराजे, काले मूल तने उषाले, शंकर सुवन केसरी नंदन, वेद प्रताप महाजगवंदन, ज्ञान गुणी यश चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु तस सुन मे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, दुख रूप धर किए दिखावा, दृढ़ रूप धर रंग जरावा, हमारी राम जी जो जाओ, हमारी राम जी जो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। तुम रखवारी हो तन आज्ञा बन पे सारे, सब सुख ले
मैंने तुम्हारी करना तुम रक्षक का रूप करना की है आरती।
बाकियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, बाकियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, बाकियों को पाप से तारते। अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्ति पंचम पे दिन राना है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंक्ति है पंचम पे दिन राना है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्ति है पंचम पे दिन राना है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंक्ति है पंचम पे दिन राना, हर नाम यही हर ज्ञान यही, हर नाम यही हर ज्ञान यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये सांकेतिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला है, दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला है, दर्श दिखाने वाला है। ये शांति गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला है, पापियों को भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से मंत्रजलि ओं जगनावायस्तावास्तार पूर्व साध्या सन्ति देव। हरि ओम
एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो शान्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात्। सेवन्तिकाकुलचम्पटपाटलहरि पुण्याङ्गयाचकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभातुलसीरनमञ्जरी कुम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीर नारायणसुमन्दपुष्पाणि यदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमादत्त ग्रहाणः परमेश्वर सादरभवति मन्द पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। पुरी भागवत भगवान की जय। महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सुखदेव भगवान की वृंदावन बिहारी राज की हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हुए। कपेत्रियं फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वीरेश्वरपादपङ्कजं अतुलितमलधामं हिमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बारणानामधीशं रघुवरप्रियभक्तं नाथजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणामदारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि नीलां भजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारं भोलभक्तशल भगवान् की। बोल बैरहरे वाली मैया की। बोल रवि शंकर महाराज की। बोल धौरेड़ सरकार की। जय कथा सुन। जय जय भोले बाबा की जय जय। ओ जमरू वाले भोले
चंद्र के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। अलौकिक शंकर भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। जगदम्बा भवानी माँ बहराने वाली उनके चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। बरखंडी सरकार के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। यहाँ विराजमान सभी भक्तजन, इन सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं भगवान को जय श्री कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत की कथा कल्पवृक्ष है। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, क्यों? उन्हें तक्षक के डसने का भय है, सांप के डसने का, और मन भय में सब से जल्दी लगता है। कोई कष्ट आ जाए तो कहेंगे हे भगवान, कष्ट में भगवान का नाम जल्दी आता है। पर चाहिए भगवान, हे मैया बहराने वाली, जा संकट दूर कर। तभी तो कहते हैं कि दुखमय सुमिरन सब करे, सुखमय करे न कोई, और जो सुखमय सुमिरन करे तो दुख काहे न कोई। दुख में बहुत जल्दी परमात्मा का नाम आ जाएगा, सुख में घर बैठे मंदिर बगल में भव नहीं जा पाएंगे। का करे समय न मिले तो मंदिर में जाने का। कानों ने कथा नहीं सुनी, वो कान क्या है? आई कहते सर्प, आई विवर समाना, सर्प के बिल समझो, बाबू समझो भी कानन ने। तो जिन्होंने कथा नहीं सुनी, जिन कानों ने, जिमी हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जिन्होंने कथा नहीं सुनी वो प्राणी तो जिंदा ही मुर्दा है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जिमी हरि कथा हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान की कथा नहीं है वो तो जिंदा ही मुर्दा है। तो मानव का जन्म मिला खाई के लिए मिला, ये थोड़ी मिला है खाते रहो पीते रहो सोते रहो। अरे जन्म मिला है तो भगवान का भजन करो, पर हित करो, बन जाए जितनी दूसरी की मदद करो। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज, अब हमें अजामिल का चरित्र सुनाओ। नमो भगवते वासुदेवाय, निवृतम कथितम आदो भगवताम यथा क्रमयोपेन लब्धेन ब्रह्मणाम यद संस्कृति। धीरे धीरे अंतिम समय आया, अंतिम समय सबका आता है। प्राण, ये मृत्यु सबकी होती है, जन्म है उसका मरना अनिश्चित है, और मरे हुए का जन्मना अनिश्चित है। मृत्यु का समय नजदीक है, प्राण कंठ में आ गए। अजामिल ने क्या कहा? ओ नारायण, अंतिम समय में क्या निकला? ओ नारायण, नारायण निकलते भगवान के पार्षद लेने आ गए। पहली कौन आई? यमराज की, यमराज के दूत भी आ गए। यमराज के दूतों ने कहा, ये क्या, ये तो पापी है, इसे हम ले जाएंगे। धर्मराज के दूतों ने यमराज के दूतों को मार के भगा दिया, भगो यहां से। क्यों? इसने मरते वक्त अंतिम समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है। तभी तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यज्ञ
मुनीश्वर रागन भजन करते वक्त प्राण निकलते वक्त प्रभु का नाम आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हमने नारायण कहा, धर्मराज के दूत बोले यमराज के दूतों भागो भागो यहां से, मार के यमराज के यहां भगा दिया। यमराज के दूतों ने यमराज से कहा, महाराज ये तो बड़ा पापी था और धर्मराज के दूतों ने हमें भगा दिया, क्यों नहीं लेने दिया। यमराज ने क्या कहा उनसे, सुनो, जो प्रभु का नाम लेता हो, जिसके घर में तुलसी का पौधा हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, तुलसी की माला गले में होगी तो ये समझो कि शरीर में गंगा जल पड़ रहा है। कभी तो मरते वक्त क्या कहती है, तुलसी दल मुंह में डाल दो। तुलसी सबसे बड़ी बताई है, पर माला तुलसी के गले में बहुत कम मिलेंगे। माता बहने तो सोने की जंजीर बनवाएंगी, सुहाय पर नंबर काट के जाए रहे। तुलसी की माला कुछ भाइयों की गली में भी हमने देखा है, दो दो चार चार तोला की जंजीर गले में डली रहती है, वो क्या है, कलयुग है। तुलसी की माला गले में होगी, यमराज के दूत तुम्हारे बगल में भी नहीं आएंगे, ये दुर्भ सत्य है। तो समझो तो आज से कल घर जाके तुलसी की माला पहन लेना, बाजार में मिलती है खूब प्योर मिल जाएगी तुलसी की माला। और तुलसी की माला तो कितनी की, 50 की, 100 की, प्योर तुलसी की। और सोने की जंजीर तो पता हो कितनी की बनते, फिर भी खतरा है उसमें, सोने की जंजीर में। तुलसी की माला में कोई खतरा नहीं है, एक खतरा है उसमें, यमराज के दूत बगल में भी नहीं आएंगे, उनको खतरा है तुम्हारी तुलसी की माला। यमराज के दूत, यमराज ने कहा तुम उसको छू भी नहीं सकते। जिसने अंतिम समय में प्रभु का नाम ले लिया, जिसकी गले में तुलसी की माला, जिसके घर में तुलसी का पौधा, उसके तुम घर में भी नहीं जा सकते। और इस तरह से धर्मराज के दूत अपने यहां ले गए। अच्छा, मिले पापी से पापी होते हुए भी भगवान के नाम लेने से तिर गया, ऐसे भगवान के नाम का चमत्कार। बोल भक्त चलो भगवान की जय हो। देखा जब समुद्र का पुल बना था, नल नील क्या कर रहे थे, शिलाओं पे क्या लिख रहे, राम राम। उस शिलाओं को डाले तो शिला क्या कर रही थी, तैर रही थी।
महाराज हरेश्वर नाम के दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए, उन सब पुत्रों का एक सा आचार, एक सी स्वभाव, सबका 10 पुत्र थे। किसके? दक्ष के। तो दक्ष ने क्या कहा कि 10 बालक सृष्टि की रचना करो। ये कहाँ गए? ये जो पश्चिम दिशा की ओर चल दिए, जहां सिंधु नदी और समुद्र का किनारा मिलन। जैसे प्रयागराज में क्या है? त्रिवेणी संगम। नारायण नाम का तीर्थ है, वो अतिशय पावन है, पवित्र है। वहां के लिए ये 10 बालक चल दिए। सिद्धगण जहां पर निवास करते हैं, उन्होंने विचार किया, पिताजी ने बताया है वही करेंगे। स्नान किए, स्नान करते ही उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। नारद जी ने सोची इन्हें मैं करवाऊंगा सृष्टि निर्माण। नारद का काम, नारम ददाति स नारद, ज्ञान दे वो नारद, नारद जिसकी बात रद्द न हो वो नारद। नारद ने उठाई वीणा, चल दी एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीण। श्रीमन नारायण नारायण करते पहुंच गए, जहां 10 बालक स्नान करके सोचली सृष्टि को निर्माण करेंगे। जो नारद जी दिखाई दिए, 10 बालक ने नारद के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया। नारद जी ने पूछा, बालकों यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? बालक बोले, नारद जी पिताजी ने कहिए हम सृष्टि को निर्माण करेंगे। नारद जी, अरे पगले हो तुम, कहा जानो सृष्टि को निर्माण? तुम्हें ये पता हो कि आकाश की ऊंचाई कितनी है, जब पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, जानते हो? अब जाए को जानते, कोई जाए तो ना जानते, तो चले गए सृष्टि को निर्माण करो। मैं कहूं काय करो? काय तुम लगोटी लगा लो, बाबा जी है जाओ, लगोटी लगा लो, भगवान को भजन करो, जब माया के चक्कर में मत पड़ो। नारद की चाल भी 10 बालकन पे चल गई। उन्होंने वही किया, लगोटी लगाई ली और तिलक लगाई ली और भगवान को भजन करू थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोले।
भोल वत्सल भगवान के। दसौ बालकों पर नारद की चाल चल गई, महात्मा बना ने भजन कर भी ले। दक्ष प्रजापति ने देखा बालकन देख तू आऊ का कर रहे, पिता को हमेशा ये करना चाहिए, कोई बालक ग्वालियर पढ़ने गया है, अरे बाजो देखो तो सही ग्वालियर पड़ी हुई रहे के चाट खा रहे होगी, टिकिया बल्ला खाते रोजाना के पड़ी हुए बल्ले का देखना चाहिए। दक्ष प्रजापति आए और जो देखा तो दसौ तो नेत्र बंद भगवान को भजन कर रहे। कैसे कर रहे? ऐसी चार ब्राह्मण थे, एक हमारे शुक्ला जी, एक हमारे प्रोज जी जैसे, एक हमारे जो रायपुर वाले रामेश्वर भैया है, हमारे मुन्ना लाल जी है, चार उद्वार काशी पड़वे को चले गए। काशी पड़वे गए, एक आध महीना दो महीना रहे, बोले पड़ गए चलो बस बहुत है, घर आ गए। जो कहते देश चोरी परदेश भीख, दूसरे देश को चलो भेख मांगे, दूसरे देश में पहुंच गए, ऐलान कर दिया हम ऐसा भजन करते हैं, ऐसा करते हैं कि धन दोनों रात चौगुना बढ़े, ऐसा भजन करते हैं। तो ऐसे पंडित के तो मिल जाते कोई छोड़े को। एक राजा है बताओ चल गए हो, ये चारों मेल में बुलवाए हो, राजा ने चारों मेल में बुलवाए, पंडित जी महाराज कैसे भजन करते हो? राजा ने ऐसा करते हैं हमने तो भजन कर दो नहीं तो तुम्हारा खजाना चौगुना बढ़ जाओ। राजा बोले वाह ऐसे पंडित जी तुम्हें पहली बार मिले तो मेरे राज्य में मेरी यहाँ भजन कर दो, हम घन्ना करते मेल बना कर तो कहा कर दो नदी के किनारे और बोगी के मारी शर्त है, क्या शर्त है? चकाचक तसम में घेर मालूम हुआ चाहिए रोजाना तो भजन करेंगे। राजा की हाँ जिस सब व्यवस्था हो गई, नदी में चारों चार घाट पर बैठ गई, एक कह बैठे होगी ताई देखे हो, दूसरों कह रहे को तो को होगी ते मोको होगी, तीसरों कह रहे जो पोल कबलो चली, चौथे सुगला जी करेगा धकी तो रही धकी धकी तो नहीं धकी और चका जब खावे तो सब में खीर माल पुआ जी भजन चल रो आंख मीच के कबूतर को नहीं ढूंढ। एक दिन राजा थे कब ग्वाल ने चौपिया ने कह दी महाराज ऐसा भजन कर रहे कि राज चौपट है जाओ जी मंत्र मनने तो आज नो किताब में देखेगा। राजा ने कही कुछ नहीं घोड़ा सजाओ मैं देखता हूँ चारों ब्राह्मण। मंत्री ने कही महाराज मैं संग चले, मंत्री चतुर होता है, राज्य कोने पर चलते मंत्री नहीं पे, मंत्री चतुर थे संग में घोड़ा पे मंत्री गए, जहाँ चारों भजन कर रहे कबूतर को ढूंक नहीं रहे, एक बोलो को होगी ताज देख ले, दूसरे को तो को होगी तेमो को होगी, चौथो कह रहे जिपो ने कमलो चली, चौथो कह रहे धकी तो नहीं धकी धकी तो नहीं धकी धकी तो नहीं कबूतर को नहीं ढूंके चारों मंत्र थका दे। राजा ने कहा खावना खावो सब पंडित शांत हो जाओ, तो तलवार निकाली चारों की गर्दन काटे हो नारद छोड़ूंगा नहीं। दक्ष जैसे ही चले बित्ते नारद आएंगे, दक्ष प्रजापति नारद जी खड़े रहो, नारद जी तो पहले ही समझ गए क्यों होई ये सोई जो राम रुचि राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस कर ही तू तस फल। नारद जी तो पहले समझ गए मैंने करो ताको फल दो मैं मिलेगो। दक्ष प्रजापति ने कहा नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम गौ का दूध दोहन होता है उतनी देर एक जगह पे रुकोगे, इतनी देर से ज्यादा कहीं तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे, दक्ष का श्राप लगा है इसलिए नारद एक जगह नहीं रुक सकते। भोल भक्त शल भगवान की जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जय जय परीक्षित ने कहा सुखदेव जी देवताओं ने इंद्र ने विश्वरूप को पर्वत क्यों बनाया? कभी ऐसा हो जाता है एक पुरुष जी नहीं है या उनके कुल में कोई है नहीं तो दूसरा बना लेते हैं, पंडित जी दूसरे बना लेते हैं। विपत्ति आ गई थी किस पे? देवताओं पे, देवराज इंद्र पे। क्यों? इनके गुरु कौन थे? बृहस्पति जी देवताओं के गुरु। एक बार इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, गुरु जी गए कहां? स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने उठ के स्वागत नहीं किया, तब गुरु जी पहुंच गए फिर भी स्वागत नहीं। जब गुरु तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों देवता हैं। इंद्र को घमंड हो गया, गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी चुपचाप चले गए और गायब चले गए वहां से। अब देवता पे विपत्ति आई तब यज्ञ को करा, गुरु तो थे ना, अब क्या करें? किसी गुरु बने विश्वरूप के यहां पहुंचे जो दैत्यों की संचालक थे। विश्वरूप तुष्टा के पुत्र थे, इसकी तुष्टा के पुत्र विश्वरूप। विश्वरूप ने चलो और हमें यज्ञ करा दो। विश्वरूप ने भी यज्ञ करना कराना स्वीकार कर दिया। आ गए विश्वरूप ने नारायण कवच का भी ज्ञान दिया देवराज इंद्र को, पर इसके तीन सिर थे, सोमपान सुरापान और अन्न भक्षण करने वाला, तीन सिर थे। ये आहुति दे देवेंद्र इंद्र बैठे यजमान बन के और हवन कराने वाले विश्वरूप जोर से आहुति बोले देवतन को और धीरे धीरे दैत्य को बोल दे जो दैत्य के पक्ष के थे, सो पक्षपात कर दे। देवराज समझ गए कि ये विश्वरूप तो दैत्य को भी बलवान बना रहा है, खड़ग लिया और विश्वरूप के मस्तक काट दिया। तीनों सिर कटे, तीन तरह के पक्षी पैदा। अब लग गई क्या? ब्रह्म हत्या। अब ब्रह्म हत्या लग गई, उस ब्रह्म हत्या को कहां बांटा? चार भागों में बांटा। एक हिस्सा पृथ्वी को, जो ऊसर भूमि है जब फसल नहीं होती वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। दूसरा हिस्सा जल को, जल में जो हरी हरी काई होती है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा हिस्सा दिया वृक्षों को, वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, क्योंकि गोंद के लड़ुआ खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, निषेध। चौथा हिस्सा माता बहनों को दिया, जो रजस्वला धर्म है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। चार भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया, चार भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा। अब ये पुत्र किसका था? तुष्टा का। तुष्टा को क्रोध हुआ कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा है, हवन करने लगा तुष्टा और क्या कहने लगा? इंद्र शस्त्रु विवर्धस्वम, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, कहीं तो जा रहे हो, क्या कहने लगा कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो।
हवन कुंड में से कौन निकला? वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम का दैत्य हवन में से प्रकट हो गया। काला कलूटा हाथ में तलवार लिए अट्टहास करके गर्जना करने लगा, क्या क्या है पिताजी? कुछ नहीं, इंद्र पे धावा बोल दो। इंद्र पे वृत्तासुर ने धावा बोला, इंद्र भयभीत। अब इंद्र भयभीत होके कहां गया? मानस सरोवर में पहुंच गए और कमल की डंडी में छोटा रूप बना के कमल की डंडी में भीतर घुस के बैठ गए, क्योंकि अब ब्रह्म हत्या कहां बांटे। पहले ब्रह्म हत्या से परेशान हुए थे तो बातें घबराए के और भयभीत हो गए, गुरु जी है नहीं, कमल की डंडी में जाके छुप गए। काय के डर के मारे? वृत्तासुर के डर के मारे कि गुरु ने उपाय को बता दो। उपाय बताने वाले राजा के या मंत्री होते। एक राजा के राज्य में मंत्री, और मंत्री तो चतुर है तो कमाई मंत्री करते। मंत्री की महाराज कहे कि तुम्हारे राज्य में सब सुखी है पर बेचारे गेदुआ दुखी है। क्यों दुखी? देखो राज्य रो रहे हैं, अब तो रोजाना रोने का काम, तो इनकी व्यवस्था कैसे होगी? कि महाराज देखो इनको कछु रेवे को मकान बनवा दो। कितने लगेंगे? बोले 10,000 रुपया। 10,000 रुपया राजा ने दे दो। दूसरे दिन आप फिर रोए, अरे मकान बन गए फिर भी रो रहे हैं, भाई मकान तो क्या करेंगे? अरे इनके लिए कपड़े तो है नहीं, बिछावे को ओढ़े को कुछ तो चाहिए। कितने चाहिए? 10,000 और दे दिए। फिर रोए तीसरे दिन, बोले आज क्यों रो रहे हैं? अरे भाई यार कुछ भोजन को तो चाहिए, मकान है थोड़ी खाएंगे। कितने चाहिए? वो 10-10 और दे दें। चौथे दिन फिर रोए, वो तो रोएंगे, बोले आज क्यों रो रहे हैं? महाराज देखो समझो ये रोई ना रहे, गिदड़ क्या कहता है? ओए हो जय हो, ओए हो। तो बोले अब तुम्हारी जय हो कह रहे, रोए ना रहे। चालाकी से रुपया कमा रहे। चलो वही कथा की ओर चलते हैं। अब ये कमल की डंडी में छुप गए। इधर में राजा नेहस को मिल गया मौका, इंद्र के सिंहासन पर आके स्वर्ग में बैठ गया। अब नेहस बैठा सिंहासन पर, स्वर्ग का राज नेहस को मिला। नेहस ने की सुनो, स्वर्ग में पवन देव, जल देव, वरुण देव, मैं कहूंगा तय करूंगा, अप्सराएं नृत्य करेंगी मेरे कहने से। अब राजा बन गया स्वर्ग का। अब बेचारे देवता भाई भी उतर गए, परमात्मा अंबर जी क्या विपत्ति आ गई। नेस ने सूचना भेजी किसके यहाँ? इंद्राणी के यहाँ। इंद्राणी आवे और मेरी पत्नी बन जाए। अब इंद्राणी क्या सूचना गई महाराज ने? नेस बुला रहा है, इंद्र तो है नहीं, अब पटरानी तुम नेस की बन जाओ। इंद्राणी ने क्या कहा? अब क्या करा? हे भगवान मुझे सदबुद्धि दो। इंद्राणी ने कहा जो कहने आया उससे भैया ये कह दो कुछ थोड़े समय का इंतजार करें, इंद्र नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी पत्नी तीनों दिन बंद कर मारे खुशी के फूली न समा।
अब नारद जी पहुंचे कैलाश पे, पार्वती जी कहीं और पहुंचाई ले। अब बन गई, बच्चे बड़े होंगे तब ब्याह होगा तुम्हारे संग। लक्ष्मी थे हुए से, ब्रह्माणी थे हुए से, तीनों देवी बोली नारद बाबा तो क्या करे के मांगे लाओ चले जाओ। तीनों देवी गहने और साड़ी पहन के मांगवे को आई। तीनों तो घुटनू वाले बाहर चल रहे, क्या देखा जो तीन देवी दिखाई दे। तो दौरे दुर्भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी दीनी जब दिखाई है। बचाओ बचाओ मैया ये बलाए काते आई है। तीनों भजे गोदी में मैया, मैया जी बलाए काते आ गई। तीनों देवी माथों ठोकवे लगी, हमारे पति हमंदी बलाए गए रे। तीनों देवी पहुंची, मैया लक्ष्मी बोली मैया जगत के पति विष्णु तेरी झोपड़ी में है। मैया ने कहा जवाब दे, जगत की रक्षा करने वाले, लाज बचाने वाले, कहू के लाज लभी झोपड़ी में थोक जावेंगे, तू झूठ बोलती है। वो आते तो पहचान ले जिनमें देती हो कौन सो पति। अब तीनों की एक सी शक्ल, ब्रह्माणी बोली मैया ब्रह्मा है विधाता है, मेरे पति तुम्हारी झोपड़ी में। अनुसुईया ने कहा तेरे पति है तो तू पहचान ले, इनमें हुए तो ले ले अपने पति। अब तीनों की एक सी शक्ल, पार्वती बोली तुम खीसा की बदको, जब ये दोनों की धारणा कर रही चुप चाप उठाड़ी। पार्वती चुपचाप खड़ी रही, बिन कछु नहीं गई, अपनों सो मोह लेके चुपचाप वापिस कुटिया के चल गई। नारद जी फिर रास्ता में मिल गए। नारद को काम तो कहा कि घाव पे नमक छड़कना। दूर खड़े नारद जी, तीनों देवी बोली जी को तूमा बाप को भगन में आ जाए नहीं तो जाके तूमा फोद दे, जाके मुंडी ये फोद दे, सब सब नौटंकी जानी कराइए। लक्ष्मी बोली नारद जी ने कहे तक आ जाओ माता को। नारद जी कहा बोले देखो मैं आज तो जाता हूँ, एक महीने को मेरे फिर तो चल रो है तो एक महीना में स्त्री से दूर रहता हूँ। अब व्रत चल रहा है तब व्रत नहीं होते आगे लगाई था। अरे घर पूरा नारद, अब मन की मन में ही रह गई, उन्हें बगल में हूं तू आ जावे मैं के तू फिर बताए तो हमें। नारद जी बोले बगल में मैं कह को आवे। फिर तीनों देवी बोली नारद अब ये बताए वो हमें मिलेंगे कैसे, माई पति तय तो बताए थे। तो देखो तुम भिखारी बन के जाओ, भीख कब मिलते
भीसती भीख मिलती है। कोई जीन्स को पेंट पहरे आवे और दो तोला की जंजीर गले में डली हुई बात तुम भीख डालोगे, कोई नहीं कहते भीसती भीख मिलती। भिकारी बनो, फटी पुरानी साड़ी पहन ले, फिर मांगो बिल्कुल दे देंगे। बताओ कैसी चाल चलती। तीनों देवी भिकारिन बनके पहुंच गई मैया, अब तो दे दे। नारद जी पीछे ही पहुंच गए कि मैया मैं सिफारिश कर रहा हूं इनकी तरफ दे, अब दे दे। मैया ने अंजलि में जल लिया, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा की हूं, तो तीनों असली रूप में सामने आ जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता सामने खड़े हुए, बोले न सैया मैया की। तीनों देवता सामने खड़े, तीन पुत्र हुए दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। दुर्वासा जी शंकर जी के अंश से थे, इसी दुर्वासा जी सबसे क्रोधी थे। चलो वही कथा की। राजा नहस बैठा है सिंहासन पर, इंद्राणी के लिए कहा कि पत्नी बन जाए। फिर इंद्राणी अब क्या करूं, गुरुदेव के यहां गई, गुरुजी उपाय बता दो। गुरुजी गुप्त रूप में छिपे हुए थे, इंद्राणी को पता चल गया कि बगैर गुरु के कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। गुरु बिन भवन तरैन कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बगैर गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते। इंद्राणी गई गुरु जी के पास में, गुरु जी उपाय बताओ। तो उससे कह दो पालकी में ब्राह्मणों को लगा के आवे और बैठ के आवे, तो मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी। तो ऋषि मुनि पालकी में लगाएंगे और बैठ गया और क्या कहने लगा, सरप 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 का मतलब जल्दी जल्दी चलो। ऋषि ने कहा सरप सरप कह रहा है, बोले जा राजा तू सरप हो जा। ऋषि को श्राप देते ही राजा तुरंत पालकी दे नीचे और सरप बन गया, खत्म कर दिया। ऋषियों की वाणी महात्माओं की बाकी कभी खाली नहीं आएगी। तुलसी बाबा ने कहा कि मोर वचन जाए हरी जाए फीका, मोर वचन जाए हरी जाए फीका, संत वचन पर हर फीका। मेरी बात खाली जाए Thank you.
और जिसके प्राण निकल गए वो नहीं बोल सकता। लाला तेरे बिना संसार में मैं कैसे जीवित रहूंगी। इतने में नारद जी फिर आ गए, रानी की आंखों से आंसुओं की धार, महाराज पछाड़ खा के जमीन पर। अन्य रानी भी आ गई, वो अन्य रानी आके वो भी साथ में रोने लगी, ढोंग दिखाने लगी। किसी ने कहा, राजन क्या बात है महाराज? हे मुनिवर, एक बालक परमात्मा जय जय मोहन तो
कछु ना बोले। ऐसे नहीं भैया मां साथ में ले तो जयकारो बोलो तो गिरी जयकारो मत बोली। अब की बोल रहा बोल बरहारे वाली भैया की और सच्चे दरबार की। चलो कथा की ओर चलते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी समप्रियम सुहृद भूतान भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम प्रत्यान बदीयम दुस्तो यथा। महाराज सुखदेव जी ये बात बताओ भगवान के तो सब बराबर है, कौन देवता और दैत्य। फिर भगवान ने दैत्यान बदी दुस्तो दैत्यों को क्यों मारा, ऐसा पक्षपात क्यों किया। सुखदेव जी ने कहा राजन सात प्रश्न महाराज। फिर नाम लेवा दी चित्र सारी में लगी। रात्रि को दोनों पति पत्नी अकेले थे। देखो अब को नाने हम दोनों अकेले हैं, अब जो बताओ वो तोता कहाँ गया। बोले तोता कह रहा था नारायण नारायण, इतने में गर्व रह गया। सभी क्या होगा, बोले मैं अब जब लौटेंगे जब तपस्या पूरी हो जाएगी। फिर चल दिया, फिर गुफा में पहुंच गया। फिर वही ब्रह्मदेव प्रसन्न हुआ। इधर में देवराज इंद्र आ गया। इंद्र ने कही जब कयादु की उधर में मेरा दुश्मन है, मारूंगा इसे कयादु को ही मार दूंगा, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को खत्म कर दूंगा। जबरदस्ती से महल में से बाहर ले आया। कौन देवराज? नारद जी आ गए। नारद जी ने कही देवराज क्या कर रहा है, इसके उधर में मेरा नहीं मेरा दुश्मन नहीं है, इसके उधर में भक्त बालक है, इसे मैं अपने आश्रम में लूंगा। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में ले गए। तो देखिए माता बहनों के गर्भ में जब बालक होता है जैसा भोजन करेंगे जैसी कथाएं सुनेंगे बालक में वही गुण आते हैं, ये ध्रुव शक्ति है। कयादु रही नारद जी के आश्रम में। नारद जी कथा कहते कयादु कथा सुनते, फल फूल खाते कयादु फल फूल खाते। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उधर में जैसे ही बड़ा पड़ता गया उधर में कयादु की हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होने को आई। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप वरदान मांग। तो महाराज मुझे अमरता को वरदान दे दो। मने कर दिए अमरता का नहीं दे सकता, तू और कुछ मांग ले। तो कह सुनो महाराज मैं मांगे वो तीन ले। तो कह न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं धरती पे मरूं न स्वर्ग पे मरूं, न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं स्त्री से मरूं न मैं पुरुष से मरूं, और मैं 12 महीना में तू एक महीना में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कही ये मस्त देवी में नहीं चुकती पीछे पछताती। ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यप तपस्या पूरी होके आया। नारद जी ने कही कयादु पहले ही मेले में पहुंच ले, नहीं तो मेले में नहीं मिली नहीं तुझे मार देगा दोस्त। नारद जी ने कयादु पहले ही मेले में पहुंचाई थी। पहले ही महल में पहुंची महल में जैसे ही पहुंची आरती उतारी हिरण्यकश्यप की पति की। आरती उतार के और ले गई। अब हिरण्यकश्यप राजा सिंहासन पे बैठ गया। सिंहासन पर जैसे ही बैठा अब तो उसने ऐलान कर दिया कि कहीं भी धर्म पुण्य नहीं होगा, मेरे राज्य में कोई भजन नहीं करेगा कोई पूजा नहीं करेगा, उसे फांसी दे दूंगा। वे पंडित जी हमारे पड़ोस जी जैसे रहे, मैं बोली मुंह पे तो पूजा बिगड़ रहा ही नहीं जाऊंगा, मुझे भोजन ही नहीं भागू मैं पूजा नहीं करेंगे तो गड़बड़ है यदि, पर कैसे करूं। तो नहीं भी जाती नदी में
तो सालिक राम भगवान ने अंटी में दबा लिया थी धोती की, नदी में स्नान करे सालिक राम भगवान ने स्नान करावे चंदन लगावे फिर नदी में थी नवाई दवाई के लिए आते खुफिया पुलिस लग गई। महाराज वो पंडित जी रोजाना नदी में जाते और भगवान ने नहाते भी पूजा करते, तो आज पंडित जी को ले आओ फांसी पर चढ़ा दो। अब बीच चौराहे पे मंच बनाए दी, राजा का हिरण्यकश्यप बीच चौराहे पे बैठे ताहे के पंडित जी को रास्ता निकली। मुखबर ने ये कहे कि महाराज जी पंडित जी पे भगवान, पंडित जी को पता चल गो चाला करे वैसे पंडित जी नहीं बिल्ले लेके भगवान लोटा में डाल दें पानी के लोटा में। मुखबर ने फिर कह दी महाराज भगवान अब लोटा में आ गए। बोले ले आओ पंडित जी। पंडित जी मंच पे राजा बैठो है ना कृष्ण। पंडित जी महाराज इधर आओ। बोलो राजा जब लोटा में थी पानी पिवाई दे। पंडित जी ने कही आओ। अब पंडित जी का मन भगवान के चरणों में, प्रभु आज यदि बात बिगड़ गई फांसी मुझे लग गई तो आज से दीन बंधु दीनाना तुम्हें कोई नहीं कहेगा, आपके भक्तवत्सल नाम तुम्हारा फीका पड़ जाएगा। भगवान शक्कर बन के लोटा में घुर गए। भक्त की लाज बचाने सालिग्राम भगवान पत्थर के शक्कर बन के लोटा में घुर गए पानी में घुर गए। राजा ने ओक मारी, पंडित जी ने लोटा में थी पानी पिया, पूरे लोटा के पानी पी गए, बस सालिग्राम के तो नहीं दिखे राजा। राजा ने कहीं गजब हो गया, कितना मीठा पानी कितना स्वादिष्ट पानी, और खुफिया पुलिस को बुलाया और पंडित जी तो नहीं जाल चढ़ा दो सूली पे। उस खुफिया पुलिस वाले को मुखबर को सूली पे चढ़ा दिया। अब उसके पानी से रक्त बना, इससे भगवान का भक्त था, ये गूढ़ कथा है। इससे भक्त प्रहलाद। अब चलते हैं वही गर्भ में बालक, एक एक धीरे से चार बालक हुए, आलाद प्रहलाद सुनहलाद अनहलाद, एक सिंह का नाम की कन्या हुई प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब आलाद प्रसन्नता। प्रहलाद का जन्म भयो तो मोते का निकलो नारायण नारायण जन्म की। कश्यप ने कहा जी क्या ये तो जन्म होती है दुश्मन का नाम ले रहा है, छोटा है बच्चा है, मन में तो ये आती है इसे अभी खत्म कर दो मार दो। प्रहलाद बड़ा होगा घुटन में चलने लगा बोलने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में ले लिया और कही प्रहलाद तू क्या कहता है। पिताजी कहता क्या हूं नारायण कहता हूं। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को गुस्सा ही नीचे से पटक दिया, जल नीचे गिराया भाग यहां से दुश्मन का नाम लेता है। प्रहलाद बोला पिताजी वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो तो भक्त वत्सल है, वो दीन बंधु है, वो दयालु है, कृपालु है। पर एक नहीं माने गुरु पुत्रों को बुलाया संड संडा मर्क, दो गुरु पुत्र थे दोनों को बुलाया था। जब पाठशाला में ले जाऊ ऐसी पार्टी पढ़ाऊ कि जी मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद कर दे। पाठशाला में पढ़ने चला गया, पढ़ने गया बोले बालक तुझे अपने पिता के दुश्मन का नाम क्यों लेता है। बालक प्रहलाद क्या बोला गुरु, गुरुजी तुम उल्टी चाल चल रहे हो, अरे भगवान कभी